हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो टाइम हो रहा है शाम की 5:15 बज रहे हैं और बेटू जो है पार्क चली गई हैं, तो उसकी दादी भी गई हैं और दादा भी गए हैं और इनाया जो है अभी सो रही हैं। उनका जो है अब टाइमिंग उनकी चेंज हो गई है, अब वो शाम की टाइम सोती हैं। बच्चों की टाइमिंग जो है सोने की कभी भी चेंज हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कब उनकी टाइमिंग चेंज हो रही है। अब वो सुबह भी जगती हैं, मतलब कि रात में तो आराम से सो जाती हैं 11 बजे, और 11 बज जाते हैं जैसे ही मैं उसको लिटा लेती हूँ अपने साथ, तो वो सो जाती है और आराम से सारी रात सोती है। एक आध दो बार बच्चे जगते ही हैं तो बस वही जगती है थोड़ा सा और फिर से सो जाती है। और सुबह जग जाती है, लेकिन सुबह जो है जगती रहती है, फिर 10 बजे से 1 घंटे तक सोती है, सिर्फ 10 से 11। ये मैं टाइमिंग नोटिस कर रही हूँ 4 से 5 दिन से उसकी, तो वही हो रहा है। और अब वो क्या है कि मैं मालिश कर देती हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी वो जो है पूरे दिन जगती रहती है। मैं सोचती हूँ मालिश करने के बाद सो जाएगी, लेकिन नहीं, वो मैडम जगती रहती है। और इसीलिए मेरे आजकल ब्लॉग जो है काफ़ी लेट आते हैं, क्योंकि मैं ना तो ब्लॉग बना पाती हूँ ना ही एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से मेरे ब्लॉग जो है आजकल लेट हो रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि ब्लॉग जो है लेट आ रहे हैं, तो इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग का बनाने का टाइम है और ये भी मतलब जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं, कुछ भी काम हो वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही होते हैं कि इनाया किस टाइम पर मुझे फ्री छोड़े तो बस वही होता है आजकल। तो इसी वजह से जो है आजकल मेरे ब्लॉग जो है थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी लेट हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ अब बनाऊंगी ब्लॉग, शाम को बनाऊँ कि दोपहर में बनाऊँ, ये हो ही नहीं पाता है। तो कपड़े धोकर आई, फिर इनाया जो है अपनी दादी के पास खेल रही थी। जब तक खेलती है तो दादी उसकी संभाल लेती हैं, और लेकिन अगर वो रोना शुरू करती है तो फिर उसको संभालना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी दादी जो है उसको गोद में लेकर ऐसे घुमा नहीं सकती हैं, क्योंकि उन्हें वजन उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वजन वो नहीं उठा पाती हैं, किसी भी चीज़ का हो, चाहे बच्चा हो या फिर उनका भी कोई सामान हो, तो वो नहीं उठा पाती हैं। तो इसी वजह से वो सिर्फ उसको बैठ कर ही खिला सकती हैं, ऐसे सोफे पे लेटा देती हूँ मैं, तो उसको वो खिलौनों से खिलाती रहती हैं, बातें करती रहती हैं, तो वो खेलती रहती है। अगर वो रोना शुरू करती है तो फिर वो चुप नहीं कर पाती हैं, तो फिर मुझे ही लेना पड़ता है। तो बस अभी जो है कपड़े धोकर मैं इसको लेकर आई, कपड़े धो लिए, फिर मैं नीचे आई तो ये थोड़े से रो रही थी, मम्मी भी आवाज़ लगा रही थी मुझे कि इसको ले ले, तो फिर मैं आई और बस इसको लिया। तो अभी जो है इसको सुलाने में टाइम लग गया, और फिर मम्मी को जाना था तो फिर बेटू को भी जो है तैयार करना, तो बस अभी जो है बेटू चली गई हैं और इनाया मेरे पास है सो रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब ये टाइम जो है बिल्कुल मेरे अकेले का है, तो अब मैं अपना ब्लॉग जो है शुरू कर लेती हूँ। और आपको दिखता होगा गेट के पीछे, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जो गेट पर ये दाग दिखते हैं ये नेल पेंट के हैं, बेटू ने लगा रखे हैं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसको साफ़ करूं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ किसी दिन इसको साफ़ कर दूं, लेकिन सोचती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो देखूंगी किसी दिन मैं साफ़ करती हूँ ये। और बेटू का ये झूला भी जो है नीचे आ चुका है क्योंकि कल जो है उस कमरे में, जिस कमरे में उसके खिलौने रखे हुए हैं, तो उसमें से कुछ सामान निकाल रहे थे, क्योंकि वो हमारा स्टोर रूम है तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है उसमें से सामान निकालने की, तो बस कल वो ये निकाले थे। और उस टाइम पर बेटू भी उभरी थी तो बोलने लगी मेरा झूला जो है नीचे ले चलो, तो फिर हमने भी सोचा चलो खिलौने रखे ही हुए हैं तो कुछ ना कुछ अगर ये मांग रही है तो इससे खेल ही लेगी, यूज ही हो जाएगा, तो इसीलिए जो है नीचे ले आए हैं। और अभी इस टाइम पर जो है मेरा कमरा, मेरा नहीं हमारा कमरा क्योंकि हम सबका ही कमरा है, तो हमारा कमरा जो है पूरा भरा भरा लगता है, क्योंकि इधर बेटू का पालना, उधर उसका झूला, और फिर थोड़ी छोटी वाली गाड़ी भी यही रखी हुई है आगे वाले कमरे में चली गई है, तो यही सबसे मेरा जो मेरा बोलती हूँ हमारा कमरा जो है भरा भरा सा लगता है। अब मैं तो मैं बार बार इसको साफ करती रहती हूँ और बेटू जो है बार बार इसको फैलाती रहती है खिलौनों से, तो बस अभी इस टाइम पर मैं अकेली हूँ। और अगर जैसे कि काम भी होता है तो भी हमको ऐसा लगता है हाउसवाइफों का कि कितना काम है, कितना काम करते जा रहे हैं, काम जो है ख़त्म होने पे नहीं आ रहा है। और जब काम नहीं होता है, फ्री होते हैं और अकेले, सबसे बड़ी बात अकेले होते हैं जब, सबसे ज़्यादा बेकार लगता है, क्योंकि बच्चे
बच्चों में अपना टाइम निकल जाता है और घर के कामों में टाइम निकल जाता है तो वो अच्छा लगता है। और अगर अकेले बेटे हों, बिल्कुल कोई भी ना हो घर में, तो बिल्कुल बेकार लगता है। और इस टाइम पर तो नाया भी सो रहे हैं, तो मैं जो बिल्कुल बेकार से लग रहा है अकेले अकेले। तो अभी नाया जो है सो चुकी हैं, अच्छी सी घेरी नींद में हैं। ये देखिए, अब देखते हैं कितने टाइम तक सोती हैं, क्योंकि इस टाइम पर तो वो अच्छी नींद ले लेती हैं। खैर, अभी चलते हैं जरा नीचे, क्योंकि मुझे लग गया है प्यास और पानी यहाँ का खत्म हो चुका है, तो मैं पानी पी लेती हूँ। अभी जो है ठंडी पड़ गई है ना, ओ गेट भी खुला है, गेट खुला रहेगा, क्योंकि मैं अभी कपड़े धोकर आई थी, तो मम्मी ने आवाज लगाई, तो मैं जैसे ही आ गई सीधी, और मैंने जो है गेट बंद नहीं किया, सारे गेट खुले हुए हैं, कमरे का भी गेट खुला है, तो इसको बंद कर देती हूँ। पहले मैं जा रही थी कहाँ पर और आ गई कहाँ पर। प्यास लग रही थी और पानी पीने जाना तो मुझे नीचे, और गेट देखकर मैं आ गई ऊपर। और ये देखो 5:30 बजे जो है सारी धूप जो है चली गई और बिल्कुल ठंडी ठंडी हो गई है इस टाइम पर। सर्दी जो है बड़ी ही जल्दी रही है, तो अभी चलते हैं नीचे और पानी पी लेते हैं पहले, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं, और मैं जो है आप लोगों से बात कर रही थी उस टाइम पर 5:30 बज रही थी, तो फिर मैंने आप लोगों से बात की और फिर उसके बाद जो है रख दिया। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों से ही बोल रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं सोच रही थी, क्योंकि जो अकेले बैठकर फालतू बैठने से अच्छा कुछ कर लो, तो मैं जो है अपना सामान निकालने लगी, क्योंकि जाने की तैयारी तो वैसे भी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं अपना कुछ ज्वेलरी वगैरह देखने लगी थी कि मैं क्या लेकर जाऊँगी। गुलफ्सा को तो आप लोग जानते ही हैं, तो गुलफ्सा जो है जब आप लोग नहीं जानते थे और जब तो मैं ब्लॉगिंग ही नहीं करती थी, 1 साल पहले की बात है, इन्हीं दिनों में दिसंबर में आई थी वो गुलफ्सा, तो वो जो है मेरे लिए लेकर आई थी ये वाला सेट नेकलेस। और जो मैं पहनती नहीं हूँ ऐसी, मतलब इस टाइप की चीजें मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए लेकर आई थी, क्योंकि वो पहनती है तो उसको अच्छी लगती है, तो उसने सोचा बाजी को भी मैं ले जाती हूँ, तो इसलिए वो मेरे लिए लेकर आई थी। और मैंने जो है जब से इसको पहना ही नहीं है, पहना क्या उस वो देकर गई है, जब से मैंने इसको खोल कर ही नहीं देखा है, निकाला ही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने कभी ट्राई नहीं की है कि मुझ पर कैसी रहेंगी। मैं सोचती हूँ कि ऐसी चीजें जो है लड़की वगैरह पर ही अच्छी लगती है, जो वेस्टर्न ड्रेस वगैरह पहने या कुछ भी टॉप वगैरह, तो उन पे ये चीज अच्छी लगती है, तो मैं सोचती हूँ ये सूट कुर्तों पे नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज बताना ये कुर्तों वगैरह पे भी पहन सकते हैं क्या, ये कैसे लगेगा ऐसे पहन कर दिखा रही है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये इस तरीके से, पता नहीं कैसा लगेगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है सब। और इसके साथ जो है वो ये वाली इयररिंग लेकर आई थी, तो मैंने इस टाइप की इयररिंग जो है अपनी शादी के पहले मैं पहनती थी, लेकिन जब से जो है मैंने पहने ही नहीं है, तो मुझे जो है बड़े अजीब से ही लग रहे कि इतने लंबे लंबे, मतलब इस तरीके से कैसे पहनूं मैं इनको, क्योंकि अब मैंने खोल कर देखे तो मैं सोच रही कि घर जाऊंगी तो पहन लूँ शायद, लेकिन अब मैं इनको पहन कर दिखाऊंगी, अभी इनको नहीं दिखाया है, इनको भी ध्यान नहीं होगा कि गुलाब सर ने कुछ दिया था। तो ये है इस तरीके की, ये इस तरीके से अभी मैं टॉक्स पहन रही हूँ, कैसे पहन के दिखाऊँ, इस ऐसी लगेंगी ये, तो आप लोग बताना जरूर कि ये वाला नेकलेस और ये कैसे लगेंगे अगर कुर्ते सूट के साथ में पहनूँ तो। और एक इयररिंग ये है, ऐसी चीजें वो ज्यादा पहनती है, उसको काफी पसंद है, उसके पास काफी सारे इस तरीके की इयररिंग है कि ये है,
ये तो इनको काफी बड़े लगेंगे, तो ये इन पे तो ये हंसने वाले हैं कि ये क्या है, बरेली का झुमका। तो ये ऐसे हैं, तो ये मेरे चेहरे पे पता नहीं खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे। आप लोग बताना कि मैं इनको ट्राई करूं या नहीं, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है ये कैसे लगने वाले, क्योंकि मैंने इस टाइप के आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे, मेरे पास इस तरीके के है भी नहीं है। यही है गुलाब साह ने दिए हुए यही इयररिंग है। और जो मैं अभी मेले से लेकर आई वो भी मैं सोच रही थी मैं पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी, वरना मैं गुलाब साह को ही दे दूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट बार लेकर आई हूँ। और इन इन इयररिंग के साथ वो ये वाली रिंग मैचिंग मिलाकर लेकर आई, तो इसको तो मैं पहन सकती हूँ। इयररिंग पहनने में कुछ नहीं है, इयररिंग तो मैं पहन लेती हूँ सब तरीके। ये है, ये मैं फुल पूरी तरीके से नहीं पहना है, ये तो मुझे अच्छी लग रही है, ये तो मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि ये सारे ड्रेसों के साथ मैच हो जाएगी जो भी मेरे ड्रेसे हैं, क्योंकि येलो मेरे पर है, रेड भी ली है, पिंक भी है, तो ये मेरी सारे ड्रेस के साथ चली जाएगी। लेकिन ये इयररिंग भी नहीं पता कि मेरे पे कैसे लगेंगे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये मुझ पर अच्छे लगेंगे कि नहीं, और ये मुझको कुर्तों के साथ ट्राई करना चाहिए या नहीं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ये नेकलेस मैं अपने कोई से भी कुर्ते के साथ ट्राई कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपना मजाक नहीं बनाना चाहती, तो इसलिए आप लोग तो मेरे परिवार के हैं, आप लोग मुझे अच्छा बुरा सब तरीके की बातें बता देते हैं कि ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ नहीं है, तो मैं आप लोगों की सारी बातें मानती हूँ। और जो है आप लोग जो भी बताते हैं अच्छे के लिए ही बताते हैं मुझे, तो इसीलिए मैं आप लोगों से ही पूछ रही हूँ कि ये मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं। और बस यही दो चीज़ उसने दी थी, अच्छी है मेरी बहन। तो अभी देखते हैं, अभी नीचे चलते हैं, जाती हूँ मैं, क्योंकि अभी कोई भी नहीं है नीचे, और अभी तक कोई आया भी नहीं है, ना ही मम्मी आए हैं ना ही ये आए हैं, अभी मैं अकेली बैठी हुई हूँ। और खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ फ़ोन करके कि क्या बनाऊँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता खाने के लिए। सुबह भी वही टेंशन रहती है कि खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, सोच सच के बना ही लेती हूँ कुछ भी, और फिर शाम का सुबह का जैसे तैसे निबटता है, फिर शाम को फिर वही प्रॉब्लम कि खाने में क्या बनाऊँ। आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी खाने में क्या बनाए, मुझे तो काफ़ी होती है, मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ, और कुछ भी ज़्यादा बेसिक सब्जी बना भी नहीं सकते हैं अटपटी, क्योंकि पसंद नहीं आएगी किसी को। तो बस अभी चलते हैं, पूछ लेते हैं फोन करके क्या बनाना है, कुछ अपनी फरमाइश भी बता देंगे कि हमारे लिए क्या लाना। जब क्या होता है अगर मैं शाम को उनसे फोन करके पूछती हूँ ना कि मैं क्या बनाऊँ खाने में, तो वो बोलते हैं तुम्हारे लिए क्या लाना है। उल्टा मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए क्या लाना है, बोलो अब मैं क्या बताऊँ। अभी मैं फोन लगाऊंगी ना तो कुछ ना कुछ बोलेंगे क्या ले आऊँ, तो अभी फोन लगा लेती हूँ बात कर लेती हूँ। इनाया जाग चुकी हैं और आलिया भी आ गई हैं, आलिया के पापा भी आ गए हैं, और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अगर मैं फोन करूंगी तो वो उल्टा मुझसे ही बोलेंगे कि मैं क्या लेकर आऊँ, तो आज मैंने बोला था कि टिक्की पानी लेकर आना, तो आज मेरे लिए ये लेकर आए टिक्की पानी। और बोलो मैं सोच रही थी कि इनाया जो है सोती रहेंगी तो ये आएंगे टिक्की पानी लेके तो मैं पी लूंगी, लेकिन मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ कि इनाया जो है लेट जाए, बैठने ही बोल रही, तो मैं सोच रही हूँ टिक्की पानी मेरे सामने रखा हुआ है, मैं जो है निकाल कर लाई जैसे ही जो है इनाया जाती, अब बोलो मैं टिक्की पानी कैसे पीऊँ, बताओ मैं टिक्की पानी कैसे पीऊँ, अरे ये आप बैठे हैं सामने, और मैं भी जब इनको मसाला डालकर पानी डालकर देती हूँ तब तो ये पीते हैं, टिक्की पानी वाले बन जाएंगे यार हम तो पिलाने के आज ये लिए। टिक्की पानी वाले बनना ठीक है। तो ये है टिक्की पानी, और मैंने काफी टाइम से निकाल कर रखी है इनको कि मैं पी लूं, लेकिन पी ही नहीं पा रही, और ये मेरी फेवरेट है, आप लोग भी बताना किस किस की फेवरेट है टिक्की पानी, ज्यादातर सभी की पसंद होती है ये, और ये जिस जगह से मैं पीती हूँ उसी जगह से लेकर आए हैं, तो यहाँ की जो टिक्की पानी है बहुत ही बेस्ट बनती है, जो पानी रहता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए इनाया का आतंक शुरू है, इनाया रोना शुरू कर दी है, नहीं वो कह रही है हेलो, टिक्की नहीं पियो, अस्सलाम वालेकुम। और ये बोल रहे हैं कि टिक्की पी लो पहले, अब बोलो किसकी मानी, इनाया मना कर रही है इनायत 2 मिनट के लिए बस, चांस टिक्की चलाने के लिए, ना।
शांत हो जाओ बस 2 मिनट के लिए, है ना यार, मना कर रही हूँ, है नहीं ना। हूँ मैं। हाँ बस दो और बोलो मिनट यार। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हम तो तुम्हें गोद में लिए ना। नोई नोई नोई, तो अब ये पिलाएंगे मुझे टिक्की। अब देखो मैं टिक्की बना रहा हूँ। आप आज ये फर्स्ट टाइम मुझे टिक्की पिला, पहले ही पिलाइए एक दो बार, लेकिन हमेशा जो है मैं ही पानी में पानी डालकर और मसाला डालकर इनको देती हूँ। और आज देखो बच्चों की वजह से ऐसा टाइम भी आ जाता है। टिक्की आज देखो इनका टिक्की बनाने का तरीका। ये देखो ऐसे बनाओगे तो जिसके मुंह में पानी नहीं आएगा उसके मुंह में आ जाएगा। बेटकार है सूखी टिक्की। देखो यादू आलू बन गया इसमें। पूरी रेसिपी दे रहे हो, फुल रेसिपी, जी मीठी चटनी, फुल रेसिपी दे रहे हैं। पानी पानी मिर्ची इसमें मीठी चटनी डालते हैं। इसमें चटनी डाल देंगे और आलू डाल देंगे। अच्छा फुल रेसिपी ठीक मीठी चटनी चली गई है, देखो अंदर। अब ये पानी में डालते हैं, ये पानी में देंगे। और ये देखो आती फुल है भर चुकी है जी, बिल्कुल। तो बंद हो रही देखो ये मुंह में रही है। आप जी गा रही है। हाँ कैसा लगा बता, खस्ता है, अच्छी लग रही है? अच्छा, मुंह में टिक्की रख के पूछना है कि जाने तो उसके अंदर। जभी तो अच्छा बोलो मुंह में टिक्की रख के बता दे, देखो उसका टेस्ट लेंगे पता चलेगा, जब तो बताऊं बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ लेकिन एक बात बताना चाहूंगी, क्या मीठी चटनी डालकर तुम्हें पसंद है मुझे नहीं। अरे तो मैं बना रहा अपने स्टाइल में बना रहा था। अच्छा अपनी पसंद की खिला रहे हैं मुझे। अपने स्टाइल में बना रहा था मैं। ठीक है 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 मेरा बिना चटनी बच्चा। के ठीक है। हाँ बिना चटनी के क्योंकि मैं बिना चटनी के ही पीती हूँ, मुझे मीठी चटनी के साथ पसंद नहीं है ना। अरे आप बैठूंगी फर्स्ट। बेटू ने मीठी चटनी से लगाई नहीं, यम्मी लो कैसा, अब बताओ। ठीक है हाँ खा लो खा लो, मस्त अच्छी। मम्मी बेटू ने और बेटू के पापा ने टिक्की खिलाई है, मजा आ गया, टिक्की का और टेस्ट हो गया। लेकिन नायब गुस्सा हो मिर्ची रही है, नहीं है उसमें, इन्हें गुस्सा हो रही है, इनमें मिर्ची नहीं है उसमें, देख रही है वो। हाँ मिर्ची नहीं है। हाँ टिक्की मम्मा टिक्की पी रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हमने नायब को शांत कर लेते हैं, हमने पी लिए, अब तुम लोग पी लो। ठीक है ठीक है, हम इसको शांत कर लेते हैं। अब तुम्हारी बारी है। अच्छा मैं पिला लूं? अभी पहले नायब को शांत कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको एक टिक्की पिलाने आई हूँ, क्योंकि ये बोला है कि अपने आंसू तो मुझे पिला दो, हर बार पिलाती हूँ ना इसलिए। अब इनकी आंसू से वो टेस्ट बढ़ जाता है, स्वाद और बढ़ जाता है। पर नाया मना कर रही है। काम कर लेते हैं। चलो चलो सो जाओ, ठीक है, सोई सोई करेगा बाबू मेरा। और ज्यादा टेस्टी हो गई टिक्की, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना। हाँ आज ये अच्छी लग रही है। तो आज की टिक्की बहुत पीने में मजा आया, सिर्फ इनाया रो रही थी तो इस वजह से पहले ऐसा लग रहा था कि इनाया को सुला दूं, लेकिन टिक्की सामने रखी थी तो उसका ही मन रख रहा था खाने का कि ये खा लूँ। और ये बोल रहे थे कि चलो तुम गोद में ले रहो और मैं पिला देता हूँ, तो इसीलिए मैंने पी ली, वरना जो है थोड़ी देर रखी रहती वो। लेकिन अब इनने पिला दी तो बहुत अच्छा लगा। आज मैंने पिला दी इनको टिक्की। मैं जब भी इनको पिला देती ना तो हमेशा बोलती थी कि कभी तुम तो पिलाया करो मुझे। ये टिक्की वाला कैसा लगा, मजा आ गया, अच्छा लगा।
फिर तो रोज पी लेंगे, है जरूर। ना। जब पति देव रोज टिक्कियां पिलाए तो पत्नियां रोज पी सकती हैं, हाँ और क्या, है ना। सबसे फेवरेट जी लगता है टिक्की, टिक्की है ना, टिक्की पानी। टिक्की पानी आप क्या क्या बोलते हैं टिक्की पानी को, आप लोग कहीं बता बता से बोलते हैं और हाँ, अलग अलग शब्द है ना इनका, अलग अलग हाँ शब्द और बोलती है, क्या बोलती है, अलग अलग नाम, नाम बोलने का तरीका, है ना। हमारे यहाँ मिलते हैं पानी की टिक्की, पानी पूरी भी कहते हैं बहुत जगह, पानी पूरी तो शायद बंबई में कहते हैं, हाँ है ना, कई जगह बताशे कहते गोलगप्पे, हैं, बताशे गोलगप्पे बोलते गोलगप्पे हैं। बोलते हैं, और लेकिन कुछ भी हो चीज तो एक ही है, हमारे यहाँ तो टिक्की कहते टेस्ट हैं टिक्की कहते हाँ टिक्की बना लो, पानी टिक्की बना दो, पानी टिक्की बना दो, ज्यादा है तो पानी टिक्की बोल दो बस, है ना, हाँ और क्या, पानी टिक्की बोल दो, सीधा टिक्की पिला दो। अब देखो नाम बने हुए कि अलग अलग हो लेकिन जो है टेस्ट एक ही रहता है, और पीने का तो मजे कुछ और है, अच्छी लगती है, चाय हाँ। जितनी पी सकती है। अच्छा अपन एक दिन कंपटीशन करेंगे, तुम कितनी पी सकती हो, मैं नहीं, तुम अपनी बहन के साथ करना, मैं नहीं पी पा रहा टिक्की ज्यादा, ये थोड़ी सी पी वास्तव रहा में नहीं पीते टिक्की ज्यादा, चार। मेरी शादी अपनी शादी हुई इसके बाद ही पीना शुरू किया ना, मतलब ज्यादातर हाँ और क्या, ज्यादातर, वैसे तो हाँ कभी कभी पीते थे हाँ लेकिन मैं बोलती थी इनसे अक्सर के टिक्की पानी लिया, तो फिर जो है जब ना, उधर जाएंगी ना वहां पर मोरेना, हाँ जब रखेंगे हम जब टिक्की पानी टिक्की पानी कॉम्पिटिशन, ठीक कॉम्पिटिशन है। रखे सिस्टर के साथ, गुलाब साहब भी बहुत गुलाब साहब के पीती साथ, है, हाँ गुलाब साहब बहुत टिक्की की शौकीन है, मतलब हम सब फैन वाइज टिक्की के शौकीन है, मेरी मम्मी भी। नहीं अच्छा अच्छी तो मम्मी लगती हैं बस, लेकिन मतलब उसकी ज्यादातर पी सकते हैं, ज्यादा ही पी सकते हैं, क्योंकि जितनी भी लेकर आते हैं ना हम झटपट से साफ कर देते हैं पीपा। जब भी घर पे लेके आ देती मम्मी खूब सारी टिक्की लेके आ देती, फिर भी हम सब बहन भाई है ना पी जा देते पूरी टिक्की, चाहे अच्छा जितनी अच्छा लेके आ देते उतनी। हाँ मतलब उस टाइम तो जब छोटे होते तो लड़ाई भी लड़ती है कि मुझको ज्यादा मिलनी चाहिए, मुझको ज्यादा मिलनी चाहिए, तो जब मजा ही कुछ और होता है बहन भाइयों के संग पीने में, ये ऐसा लगता है ना कि मेरे को एक कम मिली है, मेरे को एक ज्यादा मिली है, तो ऐसा लगता है। अच्छा लेकिन मैं बड़ी थी ना तो मुझे ज्यादा मिलती थी हर चीज, अच्छा हाँ मैं हर अब चीज, कंपटीशन ऐसे रखवाएंगे माँ उधर ही उसके स्टॉल पे, हाँ टिक्की हाँ पानी स्टॉल हाँ पे, हमारे उधर तो लगती भी है स्टॉल, और सब जगह लगती है स्टॉल, तो यहाँ पे भी लगती नहीं है, मतलब हमारे घर के पास ही अच्छा लगती है, घर के पास अपने घर लगती के है, अच्छा पास नहीं लगती ना, अपने तो मार्केट में जाते हैं, हमारे तो हर जगह मतलब मिल जाती है, बल्कि दरवाजे पे भी पिलाने आता है, अच्छा हाँ वहीं पे रख लेंगे, हाँ फिर वहीं पे बुला लेंगे, कौन ज्यादा पीता हाँ है, मजा आएगा। अभी तो बहुत मजा आने वाला है आगे ब्लॉग में, हमने बहुत कुछ सोच कर रखा है कि वहां पर है ना, मतलब किस तरीके से हमें ब्लॉग बनाना है और आप लोगों को हाँ किस तरीके से सारी चीजों से मिलना है, एंटरटेनमेंट करना है, हाँ हाँ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आप लोगों के लिए। थोड़े से और दिन और हैं बस, ये लास्ट लास्ट ही चल अभी रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं इस टाइम पर, यानी इस यहाँ वजह पर, से और थोड़ा सा लेट हो जाए हो रहे हैं, मतलब वरना अभी तक हाँ तो चले ही जाती है, और लेकिन क्या, जो है 28 को जो है चुनाव है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट और हो गए हैं, क्योंकि ज्यादा बस पाबंदियां हो रही हैं अभी इस टाइम पर, है यानी ना। दिसंबर के फर्स्ट वीक में हाँ वही होंगे, दिसंबर में तो पहुंच ही जाएंगे, कोशिश तो इतने फर्स्ट वीक में महीनों, वही होंगे हम हाँ इंशाल्लाह जी, जरूर। तो बस तो ठीक है, टिक्कियां पिल गई हैं अब, इन्फॉर्मेशन दे दी है पूरी आपको अच्छी तरीके से, हाँ और क्या क्या हम करने वाले हैं धमाल वो आपको वहीं जाकर पता चलेगा। तो बस आप आज का ब्लॉग आप रख लो, एंड करो, ठीक है, तो आज का ब्लॉग इसी के साथ पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में तो फिलहाल जी मिलेंगे आपको, मैं तो कभी कभी मिलता हूँ, मैं उधर जब मुड़ने जाएंगे तो हम रोज पूरे ब्लॉग में आएंगे, आएंगे सारे रोज ब्लॉग, आएंगे, है हाँ ना, साथ में जी हर ब्लॉग में हर ब्लॉग में आएंगे हम चारों सब, और उधर की फैमिली, उधर की फैमिली पूरी, तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज, बाय। बेटू अल्लाह हाफिज, बाय। बेटू पी रही है टिक्की, ये दे, धीरे धीरे लगी है टिक्की पीने, बाय।